नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। जम्मू स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो उसका सौंदर्यकरण जो है वो किया जा रहा है। हर जगह जगह पे जो टाइल वर्क था उसके साथ वॉल पेंटिंग की बात की जाए, जहां बाकी और अन्य कामों की बात करी जाए, तो इस वक्त मैं इंदिरा चौक में हूं और इंदिरा चौक में आपको ये दृश्य जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो बनाया गया है, ताजमहल की बात करें ताजमहल बनाया गया है, उसके साथ साथ अक्षरधाम की बात करें अक्षरधाम मंदिर बनाया गया है, तो इंडिया गेट की बात करें इंडिया गेट बनाया गया है, और उसके साथ साथ बाकी जहां पे जो कारीगर काम कर रहे हैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि कहां से ये लोग हैं और कितने समय से यहां पे जो है वो काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? जयशंकर शर्मा। जयशंकर जी, कब से यहाँ पे आए और कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, क्या काम जो है वो आपको दिया गया है? ये सर, हम लोग लखनऊ से हैं और स्मार्ट सिटी के थ्रू काम मिला हुआ है और दर्शाया गया है जैसे इंडिया की फेमस चीज़ें हैं, ताजमहल है, लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है और अक्षरधाम मंदिर है, मुंबई का गेट ऑफ वे इंडिया और लोटस टेम्पल, इस तरह की चीज़ें दर्शाई गई यहाँ पर। कितने समय से आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं? इसका तो कोई हो गया है कोई 1.5-2 महीने लगभग। स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी कितने कारीगर जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, कितने लोग हैं ये आपको कुछ अंदाज़ा है? हमारी टीम में हैं सर कोई 4-5-6 लोग हैं तो वो लगे हुए हैं, बाकी और कहीं कहीं काम चल रहे होंगे। तो सिर्फ बाहरी राज्यों से भी है या जम्मू के कुछ लोकल भी हैं यहाँ पर? नहीं, जम्मू के भी हैं, हमारा सुपरवाइज़र जम्मू का है और काफ़ी आर्टिस्ट भी जम्मू के लगे हुए हैं, जैसे पेंटिंग्स वगैरह में साथ में कोऑपरेट करते हैं जी। तो कितना एरिया जो आपको दिया गया, फ़िलहाल आप इंदिरा चौक में ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, हाँ। इसके अलावा और भी कई चौराहे होंगे जहाँ कोई ऐसे जगहें होंगी जो आपको दी होंगी? नहीं, अभी तो फ़िलहाल इधर ही काम मिला हुआ है, आगे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, शायद अगर कुछ और कहीं कराना होगा तो फिर आगे वो बताएंगे कंप्लीट करने के बाद। जम्मू शहर की अगर बात करें, खासकर जम्मू की बात करें, तो जम्मू के आर्टिस्ट भी इसमें जो है वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो बाहरी राज्यों से छत्तीसगढ़ की बात करें, यूपी की बात करें और बिहार की बात करें, इसके बिहार के साथ साथ कोलकाता से भी कुछ जो है वो कारीगर जहाँ पे आए हुए हैं। जनता से भी पूछेंगे, जनता से पूछेंगे कि किस तरह का ये काम हो रहा है और कितने लोग जो हैं वो खुश हैं जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत ये सारा काम जो जम्मू शहर में किया जा रहा है, सौंदर्यकरण जो किया जा रहा है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है। आइए आम जनता से भी बात करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंह धोए बगैर लिपस्टिक लगा रहे हैं, ऊपर से पेंटिंग कर रहे हैं। गहराई से किसी ने नहीं सोचा कि जम्मू को स्मार्ट सिटी दिखने के लिए क्या करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले भी एक बार कोर एरिया डेवलपमेंट का पैसा आया था, वो बिल्कुल वेस्ट हो गया, जम्मू की डेवलपमेंट हो नहीं पाई। अभी आप देखिए जो पैसा आ रहा है, आप ये दीवारों पर पेंटिंग कर रहे हैं, अच्छा पेंटिंग भी कर रहे हैं तो ठेकेदार जो है वो वादी से है कश्मीर से और कारीगर जो हैं वो कलकत्ता से वहाँ से लाए हुए हैं, जबकि हमारे पास अच्छी पेंटिंग करने वाले और अच्छा स्क्रिप्चर बनाने वाले अच्छे अच्छे कारीगर जम्मू में अवेलेबल हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। पर ये काम के बारे में मुझे ये कहना है कि दीवारों के आप ऊपर बना रहे हैं, अभी आपने देखा नहर के ऊपर गेस्ट हाउस के पास भी और साइंस कॉलेज के बाहर भी आपने पेंटिंग की और फिर बाद में वो जगह खोद दी दोबारा, आपने पैरापिट बनाई वहाँ पर फिर खोद दी। ऐसे ही कल डेवलपमेंट के हिसाब से दीवार पीछे करनी पड़ेगी तो जितनी आपने पेंटिंग की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। ये मत कीजिए, यहाँ की एयर क्वालिटी क्या है जम्मू शहर की, वाटर क्वालिटी क्या है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जगह है, यहाँ पे पुराने पुराने मंदिर हैं तो जम्मू में कोई बाहर का आदमी आएगा उसको मंदिर कैसे दिखेंगे, वहाँ कैसे आके विजिट करेगा, यहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके लिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो जम्मू शहर की ओवरऑल लाइफ स्टाइल जो है बड़ा उसको आगे करने का सोचना चाहिए। यहाँ पानी की कमी है, यहाँ बिजली की कमी है, तो स्मार्ट सिटी में अगर सिटी को स्मार्ट बनाना है तो बिजली भी बंद रहेगी, लोग प्यासे रहेंगे तो क्या स्मार्ट सिटी बनेगी। तो ये जो पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि पैसा वेस्ट हो रहा है। आप सफाई कराइए, सफाई कर्मचारी बढ़ाइए, हर जगह सफाई दिखो तो तब भी अच्छा लगता है। खाली पेंटिंग करने से आपने दीवार पर बड़ी अच्छी तस्वीरें बना दी, राजे महाराजों की फ़ोटो बना दी, नीचे गंदगी पड़ी रहेगी, कूड़ा पड़ा रहेगा, उसका क्या प्रभाव जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि जम्मू के लोगों को जागना चाहिए, आपके हिस्से का पैसा आया हुआ है, आपकी डेवलपमेंट के लिए पैसा आया हुआ है और ये बिल्कुल वेस्ट किया जा रहा है। एक बार अलर्ट हो जाएँ, कमेटियाँ बना के देखें क्या क्या हो रहा है, तो ये पैसा फिर से वेस्ट ना हो जाए। इसलिए मैं यहाँ LG साहब को भी निवेदन करूँगा कि ठीक तरीके से सही जम्मू स्मार्ट सिटी बनाएं
और अच्छे तरीके से ब्यूटिफिकेशन भी करें और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी की वो भी पूरा करें, तभी लोग यहाँ आके ठहरेंगे, तभी लगेगा स्मार्ट सिटी। सर देख के तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन ये है कि आजकल यहाँ पे जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक का है या लोगों का है, हम चाहते हैं कि अगर स्मार्ट सिटी बन रही है तो लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए, जैसे कूड़ा फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं, उसके तहत अगर उसमें भी थोड़े से इनको देख रेख रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारा जो जम्मू है और भी सुंदर लगेगा। बाकी स्मार्ट सिटी अगर बन रही है या पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बाहर के टूरिज़्म भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी ये सब देखते हैं। हमारी तरफ से यही संदेश है कि अपने आप को भी थोड़ा सा रखें, ताकि यहाँ पे जितने भी आप बाहर के टूरिज्म आए कल को ये ना कहें कि हम जम्मू गए थे और वहाँ पे लोगों ने गंद मचाया है या ये सब है। अगर ये सब बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इसमें भी ये है कि जो बेचारे बना रहे हैं, जिनकी मेहनत है, उनका भी थोड़ा लगना चाहिए कि नहीं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लोगों से हमने बात की है, लोगों ने कहा है कि ये बना तो रहे हैं जम्मू शहर जो है स्मार्ट तो बना रहे हैं, और लोगों से भी एक अपील है कि अगर ये चीज़ें बन रही हैं तो इसको संजो के रखें, ना कि इसको ख़राब किया जाए, क्योंकि बाहरी राज्यों से जितने भी टूरिस्ट जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आता है तो जम्मू में जैसे ही रुकता है तो वो यहाँ पे जो है वो इन चीज़ों को जो है वो देखता है, मगर जम्मू को लोगों को जम्मू के ही लोगों ने जो है वो एक हिदायत दी है कि इसको जो है वो संजो के रखें। टेकवान की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेकवान, जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।